दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट सीरीज के बारे में, जो एक्शन और रोमांटिक से पूरी तरह से भरी होगी। लेकिन इन सब सीरीज को देखने से पहले इन सब सीरीज की थोड़ी सी बेसिक स्टोरी जरूर देख लेना, क्या पता आपको कौन सी मूवी पसंद आ जाए। तो ये सब मूवी अगर आपको देखनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाके ज्वाइन हो जाना। तो करते हैं वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट। उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटा भी ऑन कर लेना, ताकि आगे भी आपको ऐसी बेस्ट सीरीज देखने को मिलती रहे। नंबर 1, हेलबॉन्ड। ये मूवी 2021 में आई एक क्राइम ड्रामा फैंटेसी सीरीज है। इस सीरीज के अंदर कहानी देखने को मिलती है, जो लोग पाप करते हैं उन लोगों को पहले ही पता लग जाता है कि वो मरने वाले हैं, क्योंकि एक आकाशवाणी होती है, वो आकाशवाणी पहले ही बता देती है और इस इंसान पाप किया है और यह इंसान इस टाइम मर जाएगा, चाहे उस इंसान को कोई भी क्यों न बचाए, उसका मरना तय है। इस आकाशवाणी से कई सारे मॉन्स्टर आते हैं और इंसानों को मार देते हैं। इस आकाशवाणी का क्या रहस्य है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये बहुत ही तगड़ी ड्रामा सीरीज है, तो आपको ये मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए। नंबर 2, स्वीट होम। ये सीरीज 2020 में रिलीज हो चुकी एक फैंटेसी हॉरर ड्रामा सीरीज है। इस सीरीज के अंदर कहानी देखने को मिलती है एक फैमिली की, जो कुछ हफ्ते पहले ही एक अपार्टमेंट में रहने के लिए आए होते हैं और जब कुछ नॉर्मल ही चल रहा होता है, जब तक कि उन्हें पता नहीं चलता कि उनके शहर में एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर लोगों का शिकार कर रहा है और मूवी मॉन्स्टर बनते जा रहे हैं। तो ये फैमिली इन मॉन्स्टर से बचने के लिए अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने अपार्टमेंट में ही बंद कर लेते हैं। तो देखना ये होगा कि क्या ये लोग मॉन्स्टर से बच पाएंगे और ये मॉन्स्टर कहाँ से आते हैं जो लोगों का शिकार कर रहे हैं। ये सब जानने के लिए आपको ये फैंटेसी सीरीज देखनी चाहिए। ये फैंटेसी सीरीज एकदम कॉमेडी से भरी हुई है, तो आप लोगों को ये फैंटेसी सीरीज एक बार जरूर देखनी चाहिए। नंबर 3, द साइलेंट सी। ये सीरीज 2022 में रिलीज हो चुकी है एक एक्शन साइफर थ्रिल सीरीज है। इस सीरीज के अंदर कहानी देखने को मिलती है हमारी पृथ्वी की, जहाँ पर पानी की बहुत ही ज्यादा कमी हो रही होती है। हमारी पृथ्वी पर पानी खत्म हो चुका है, अब पानी बहुत ही कम मात्रा में बचा है। ऐसे में एक मिशन प्लान किया जाता है जो चांद के लिए होता है। वहाँ पर इन लोगों को एक सैंपल लेना होता है। जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें रिसर्च सेंटर में बहुत सारे लोग पानी में डूबे जाने के कारण मारे जाते हैं। आखिरकार इतना सारा पानी चांद पर कहाँ से आया, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये बहुत ही तगड़ी साइंस फिक्शन सीरीज है, तो आपको ये एक बार सीरीज जरूर देखनी चाहिए। नंबर 4, माई नेम। ये सीरीज 2021 में रिलीज हो चुकी है एक एक्शन क्राइम थ्रिल सीरीज है। इस सीरीज के अंदर कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की, जिसके आंखों के सामने ही एक मास्क पहने आदमी इसके डैड को मार देता है, पर इसे नहीं पता होता कि इसके डैड को क्यों और किसने मारा है। फिर उसके बाद वह डिसाइड करती है कि वह अपने पिता के कातिल को जरूर मारेगी। इसके लिए वह एक पुलिस वाली बनती है और अपने आप को एक बेस्ट फाइटर बनाती है और सारा ट्रेनिंग कर लेती है, जिसके बाद वो कातिल को ढूंढने निकल जाती है। तो क्या ये लड़की कातिल को ढूंढ पाएगी और इसके पिता को किसने मारा था, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये बहुत ही तगड़ी एक्शन क्राइम सीरीज है, तो आपको ये भी एक बार सीरीज जरूर देखनी चाहिए। अच्छा, तुम लोगों ने ये देखा क्या आज का एजेंडा? तो आज रात गिटार के तार छेड़ोगे टूर बयान? हाँ, पर शो तो कब का हाउसफुल। हाँ, तब नंबर 5, स्कूल। ये सीरीज 2017 में रिलीज हो चुकी है एक रोमांटिक ड्रामा सीरीज है। इस सीरीज के अंदर कहानी देखने को मिलती है कोरिया की हाई स्कूल की, जहाँ पर बहुत कुछ गलत चल रहा होता है। ऐसे में एक मिस्ट्री लड़का, जिसे किसी ने भी नहीं देखा, वह स्कूल में चल रहे गलत काम को सबके सामने लाता है। इस प्रॉब्लम में तब होती है जब इसके पीछे एक लड़की को मिस्ट्री मैन समझ लिया जाता है और उसे स्कूल से निकालने वाले होते हैं। तभी वह मिस्ट्री लड़का हुड्डी पहनकर सबके सामने आता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर सारे स्कूल वाले इस मिस्ट्री बॉय को पकड़ना चाहते हैं और इस लड़के को पहचानने सिर्फ एक ही लड़की जानती है। इस सीरीज में एक नहीं दो लव स्टोरी देखने को मिलेगी। अगर आपको भी लव स्टोरी वाली मूवी देखना पसंद है और सीरीज देखना पसंद है, तो आप भी इस सीरीज को एक बार जरूर देखना। ये बहुत ही तगड़ी रोमांटिक साइंस फिक्शन सीरीज है, तो आप लोग इस सीरीज को एक बार जरूर देख।